चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से खलबली मची हुई है। एक के बाद एक सीएम भूपेश बघेल के करीबियों को ईडी ने जांच के घेरे में लिया है। 21 से 23 अगस्त के बीच ईडी ने धुआंधार रेड, छापेमारी और गिरफ्तारियां की हैं। सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, दो ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा पर रेड हुई। सरकार से दोस्ती रखने वाले बिजनेसमैन विजय भाटिया भी नपे गए। इससे पहले 21 अगस्त को ईडी ने महादेव ऐप केस में पुलिस एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, बिजनेसमैन सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी और सतीश चंद्राकर कोको को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने सीएम ऑफिस से जुड़े लोगों पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे लेने के आरोप लगाए थे। विनोद वर्मा का कलेक्शन महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। विनोद वर्मा से एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का संपर्क था। रेड में अकेले उनके पास से 65 करोड़ कैश मिले हैं। ईडी के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दुबई से महादेव ऐप ऑपरेट कर रहे थे। विनोद वर्मा ने कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों को चुनाव से जोड़ दिया है। जो ईडी के अधिकारी हमारे आए थे, उन्होंने भी कई बार कहा कि आपको तो पता है सर ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे पता है, ईडी के ऑफिसर को पता है, पत्रकार के नाते आपको भी पता होगा कि क्यों हो रहा है। ये विशुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये उन सब लोगों को दरकिनार करना चाहते हैं जो इस चुनाव में कोई भूमिका निभा सकते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं। मैं AICC का मेंबर हूं, मैं पार्टी के साथ काम करता हूं। मैं अपनी इच्छा से पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आया हूं और कांग्रेस के साथ आया हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। इसके जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। शुरुआती जांच छत्तीसगढ़ में की थी। दिसंबर से केस ईडी को चला गया। ईडी ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि करीब 10,000 बैंक अकाउंट्स में 5,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का पता चला था। 50 कॉरपोरेट अकाउंट भी खोले गए, जो शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए थे। लोगों के आधार कार्ड लेकर बैंक अकाउंट खोले जाते थे, बदले में 5,000 उन्हें दिए जाते थे। शक है कि ऐप का मास्टरमाइंड दुबई में है, लेकिन ऐप का धंधा चलता था छत्तीसगढ़ के ही 30 अलग अलग सेंटर से। करीब 10 लाख लोग ऐप से सट्टा लगा रहे थे। उधार लेकर भी लोगों ने महादेव ऐप से सट्टेबाजी की। ऐप में लगा पैसा हवाला के रास्ते भारत के बाहर जा रहा था। सीएम के राजनीतिक सलाहकार होने के कारण विनोद वर्मा पर ईडी रेड बहुत चर्चा में है। BBC लंदन के पत्रकार रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल से उनके संपर्क बहुत पुराने हैं। जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब से ही उनका बघेल से संपर्क बना हुआ था। 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले BJP सरकार में छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद वाले घर से उन्हें गिरफ्तार किया था। तब विनोद वर्मा पर सेक्स ईडी कांड, उगाही और ब्लैकमेलिंग में शामिल होने के आरोप लगे थे। अब करप्शन का आरोप लगा है। BJP ने कहा, करप्शन होगा तो ईडी तो आएगी ही। आज यदि 2000 करोड़ का शराब घोटाला होता है, 500 करोड़ का शराब घोटाला होता है, 600 करोड़ का चावल घोटाला हो, तो ईडी नहीं आएगा तो और क्या आएगा। और ये प्रमाणित 13,000 पेज का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आगे की कार्रवाई तो चलती रहेगी। जिस प्रकार के काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, भ्रष्टाचार हुए हैं, ये कार्रवाई तो सतत जारी रहेगी। वहीं विनोद वर्मा 2 महीने तक जेल में रहे थे। उसी केस में भूपेश बघेल को भी जेल जाना पड़ा था। भूपेश बघेल पर सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। उसके बाद केस और जांच कमजोर पड़ गई। 2018 में छत्तीसगढ़ की राजनीति पलट गई। भूपेश बघेल चुनाव जीतकर सीएम बने तो विनोद वर्मा को सीएम का राजनीतिक सलाहकार पद मिला। विनोद वर्मा के बचाव में उतरे बघेल ने बीजेपी को ललकारा कि लड़ना है तो राजनीतिक तरीके से लड़िए। भाई, राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव ऐप में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं, जो देश के बाहर हैं, उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सके। विनोद वर्मा समेत बघेल के करीबियों पर रेड से राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। चुनाव से पहले के अनुमानों में बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ती दिख रही है। चुनाव से पहले ईडी के एक्शन को कांग्रेस ने चुनावी एंगल दिया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।